वेलकम टू एजेकमी। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, आज हम यहाँ से टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहले। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या, अच्छा मैंने पहले बोला हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है, अपने ही जैसे संतानों को जन्म देना या अपने ही हो संतान को पैदा करना। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कोई भी एनिमल्स हो, या यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, या मल्टीसेल्युलर में एनिमल हो या प्लांट्स हो, कोई भी हो, वो अपना क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। वो कैसा रिप्रोडक्शन होगा, एक सेक्सुअल हो या बाई सेक्सुअल, इसने मतलब एक सेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो। कहने का मतलब होगा क्या, अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करें, मतलब अपने ही सेम टू सेम बनाएंगे। समझ गए? आइए हम लोग देखते हैं क्या है, इंट्रोडक्शन में देखते हैं। पहले रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देम से। कहने का मतलब रिप्रोडक्शन हमारा क्या है, एक बेसिक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लोग हैं, जो जीवित लोग हैं, लिविंग थिंग जो होते हैं, क्या होते हैं, अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, रिप्रोडक्शन करने के बाद न्यू इंडिविजुअल बना। न्यू मतलब सेम टू सेम, एक जैसे ही, जैसे हम हैं अपने माता पिता जैसे हो मिलते हैं कि नहीं, हमारे भी कान पैर हैं, मिलते हैं ना कुछ, तो मैंने मतलब सेम टू सेम क्या करेंगे, जन्म देंगे। अगला देखिए, अपग्रेड टू हेरिटी ट्रांसमिशन। अब हेरिटी मतलब क्या होता है, मैंने एक होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसे हमने DNA बोलते हैं, द मेंटेन देयर जनरेशन आफ्टर टू जनरेशन। कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, दिखाता है, ट्रांसफर करता है। समझ गए? आगे देते, रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं कि हमारे लाइफ में जीवित रहे, मतलब अपने लाइफ क्या चलती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बढ़ती रहे, जीवों का विलुप्त ना हो। कहने मतलब यदि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनका क्या है, एक समय आएगा क्या होगा, विलुप्त हो जाएंगे। समझ में आया? आगे देखते हैं, इनके अंदर ही देखते हैं। अब देखिए एक डायग्राम बना है, एक क्या फीमेल है एक मेल है, वो क्या करता है, उसका एक निकलता है जिसको ओवम बोलते हैं, वो क्या होता है, फर्टिलाइज बनाता है, और सेम टू सेम अपने ही बच्चे को अपने जैसे संतान क्या करते हैं, जन्म देते हैं। समझ में आया? आइए आगे देखते हैं, मेन बेसिस चालू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत जरूरी समझना। रिप्रोडक्शन एट द मोस्ट बेसिक लेवल, रिप्रोडक्शन का सबसे मेन जड़ है द सिल्वर पेज या सिल्वर रिप्रोडक्शन विल इन्वॉल्व द कॉपी ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन। अब ये बॉडी डिजाइन की बात कर रहा है, तो कभी ने आपने देखा कोई भी एनिमल हो, या मैन है ठीक है, या बकरी है, या डॉग है, ऐसे क्या होते हैं, ठीक है, अपने जैसे हूबहू मिलते रहते हैं ना, मतलब जिसके भी हाथ पैर हैं उनके भी हाथ पैर हैं, जैसे हम अपने ही बोलते हैं, हमारे माता पिता क्या मिले, हम जन्म लिए, मिलने के बाद क्या होता है, हम हो वो अपने माता से मिलते हैं ना, बॉडी डिजाइन कैसी होती है, देखिए मैं बताते हैं, बॉडी डिजाइन सेम है ना, ये देखिए बॉडी डिजाइन। तो कहने का मतलब है कोई भी एनिमल हो, ठीक है, अपने ही जैसे बॉडी डिजाइन को जन्म देगा, ठीक है, जैसे अमीबा ही है, ध्यान दीजिए अमीबा है, ठीक है, अमीबा कोई सेव नहीं होता, जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो आगे बना के हो क्या बनाएगा, सेम टू सेम बनाता है ना। तो कहने का मतलब जो बॉडी डिजाइन होगा वो सेम होगा, ठीक है, जैसे हम लोग हैं अपने मैन मम्मी पापा से हम लोग हो क्या थे? मिलते रहते। आगे देखिए, द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर फ्रॉम द पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA। मैंने कहा है कि अभी हमने बताया कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, DNA होता है, DNA हमारा जो होता है वो हमारा ट्रांसफर करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। कहने का मतलब कुछ प्रतिशत जो हम, मतलब कुछ चीज़ें जो हमारे लक्षण, जैसे मतलब ट्रांसफर करते एक प्रकार लक्षण समझेंगे, कहते हैं कि मम्मी पापा तो कुछ हम लोग क्या कहते हैं, मैच खाते रहते हैं। तो कहने का मतलब यही क्या होता है, जनरेशन, कहने हमारी पीछे पीढ़ी से अगली पीढ़ी जो हम न्यू जनरेशन आने वाला है उसमें कुछ ना कुछ क्या जेनेटिक मटेरियल क्या ट्रांसफर करे, वो मेन काम किसका है, DNA का। समझ में आया? इसी बोलते हैं बेसिक क्या है, जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, DNA। अब देखना कि भैया DNA किसके अंदर होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, क्रोमोसोम के अंदर होता है, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन। अब यहाँ डायग्राम देखिए, ये हमारा एक सेल है, समझ में आया, सेल के अंदर हमारा एक न्यूक्लियस है, समझ में आया एकदम। देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो होता है हमारा क्रोमोसोम क्या एक स्टैंड की तरह दिखता है, यदि स्टैंड की तरह दिखता है तो मतलब ऐसे ऐसे दिखता रहता है, ठीक है,
उसी में एक थोक तोड़ के क्या बाहर निकाला, क्या है? डीएनए है, समझ में? कहने मतलब क्रोमोसोम के अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, वही हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। आगे क्लास, बड़ी क्लास पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो आपको दिखेगा ये कि डीएनए क्या काम करता है। तो डीएनए का फुल नाम देखिए, फुल नेम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, समझ में आया। आइए आगे देखते हैं हम लोग। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियर इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग अ प्रोटीन। जो डीएनए है वो हमारा सोर्स किसका है, प्रोटीन का है ना, मेकिंग क्या, सोर्स ऑफ प्रोटीन बनाता है कौन, डीएनए। इज द इंफॉर्मेशन चेंज, यदि इंफॉर्मेशन या चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, यदि इंफॉर्मेशन, भाई डीएनए काम है प्रोटीन बनाना, यदि इंफॉर्मेशन यदि चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगी, समझ में आया। यदि हम देखा जाए तो हमारी बॉडी जो ऑर्गन बॉडी बनी है वो एक प्रकार क्या है, प्रोटीन से बनी है, ठीक है, समझ में आया। आइए आगे देखिए। डिफरेंट प्रोटीन विल द इन्वेंटली लेड टू अल्टरनेट बॉडी डिजाइन। यदि हमारा जो डीएनए है, यदि प्रोटीन बनाते समय यदि चेंजिंग इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, ठीक है, जो बनाता है चेंज हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, बॉडी डिजाइन भी सेव हो जाए, अंदर की एक्टिविटी मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या कहता है ये, क्या कहता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, मेकिंग ऑफ प्रोटीन का किसका काम है, डीएनए का। आगे देखिए, आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, अच्छा लगेगा आपको, द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस क्रिएशन ऑफ द डीएनए कॉपी। भाई रिप्रोडक्शन में वो क्या बनाता है, कॉपी बन करता है, किसका, डीएनए का, समझ में आया। देखिए क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, रिप्रोडक्शन में क्या कहते हैं, सेम टू सेम कॉपी बना, मैंने कहा सेम टू सेम कैसे, मैं तो यदि कोई मैन है, यदि फीमेल क्या रिप्रोडक्शन करता है तो अपने ही जैसे हूबहू संतान को पैदा करना, संतान को पैदा करे एक प्रकार कॉपी तो है। हम यदि बोले मैं अपने पापा मम्मी क्या कहते हैं, सेम टू सेम मिलता हूँ, कैसे, कुछ फेस मिलते हैं, कुछ मेरे हाथ पैर कान मुंह तो मिलते ही रहेंगे ना, तो क्या है वो कॉपी ही, समझिए एक प्रकार, समझ में आया। रिप्रोडक्शन में मेन ये है, कहने मतलब अपने ही जैसे सेम टू सेम संतानों को जन्म देंगे। आइए समझिए, आगे देखिए। द सेल यूज द केमिकल रिएक्शन, मतलब कहने मतलब जो सेल में होता है, जो एक्टिविटी करता है, मैंने अभी पीछे बताया था, देखिए आगे, हाँ मैंने कहा कोई सेल है, कोई सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, बहुत कुछ होते हैं, ठीक है, जब वो बना है तो उसमें क्या एक केमिकल प्रोसेस करता है, जो सब सेल के अंदर ही, मैंने कहा सेल डिवीजन से पहले पहले हमारा एक प्रोसेस अभी आएगा, सेल डिवीजन होता क्या है, सेल इज द यू द रिएक्शन डीएनए रिप्लिकेशन बोल्ड कॉपी ऑफ देयर डीएनए। कहने का मतलब है सेल के अंदर ही, सेल के अंदर ही रिप्लिकेशन होता है, डीएनए ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं, जिसके बोल्ड मतलब ढेर सारे कॉपी ऑफ द देयर डीएनए, ढेर सारे डीएनए बनाने की कोशिश करेगा, समझ में आया। अब आगे देखिए, द क्रिएट द टू कॉपी ऑफ डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल। भैया जब सेल के अंदर दो क्या हो जाएंगे, डीएनए और कॉपी बन जाएंगे, देखिए ध्यान, समझ में आएगा क्या हो जाएगा, दो कॉपी बन गए ना सेम टू सेम, जब सेम टू सेम होता है तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड होता है, तो इसीलिए हम लोग का सेल डिवीजन एक टॉपिक होता है बड़ी क्लास में, लेकिन आज हम आपको यहाँ समझाएंगे, आगे देखिए समझ में आएगा, मैंने डायग्राम भी रखा है। देयरफॉर डीएनए कॉपी इज कंपेन्ड बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सिल्वर अपरेटस एंड द डीएनए कॉपी सेपरेट ईच विथ द वन सिल्वर अपरेटर बिफोर द सेल डिवीजन। बिफोर सेल डिवीजन, मैंने अभी बोला था सेल डिवीजन होता है, ये हमारा सेल है, ध्यान से फिर से मैं बताता हूँ आपको, देखिए हमारा सेल है, ठीक है, अभी हमारा सेल क्या, अभी डिवाइड नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए सेल है, ठीक है, अभी हमारा सेल अभी डिवाइड नहीं हुआ है, तो डिवाइड होने से पहले क्या होता है, देखिए क्या बोल रहा हूँ, सेल्वर अपरेटस होता है, अपरेटस मतलब क्या होता है, सेल उसमें अंदर होता है डीएनए ऑफ रिप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए क्या होगा, कॉपी बनाएगा, जब तक कोई कॉपी बना लेता है, डबल कॉपी बनाने के बाद क्या होगा, सेल डिवाइड करता है, जब सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवाइड डिवीजन होने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस का काम है सेम टू सेम टू सेल में डिवाइड कर जाना, समझ में आया। आइए हम लोग समझाएंगे माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, थोड़ा आगे यहाँ देखिए, आगे पढ़ते हैं। सेल डिवीजन इज टू टाइप, देखिए माइटोसिस एंड मियोसिस, दो प्रोसेस होता है माइटोसिस एंड मियोसिस,
ठीक है, आइए देखते हैं माइटोसिस मियोसिस होता क्या। देखिए सेल डिवीजन है, सेल्वा प्रेटस के पहले क्या होता है, सेल डिवीजन से पहले क्या हो जाता है, सेल्वा प्रेटस हो जाता है, कहने मतलब डीएनए ऑफ रिप्लिकेशन हो जाता है। ये ध्यान देखिए समझ में आएगा, ये हमारा क्या है माइटोसिस होता है, ये हमारा मियोसिस होता है। ठीक है, तो क्या रहा पर ये ध्यान, मेन इवेंट विद अगर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन इज, इज मतलब इसका मेन प्रोसेस किसके अंदर है, रिप्रोडक्शन के समय होता है। द पहले क्या माइटोसिस समझिए क्या होता है, इज आर द प्रोसेस विद द सिंगल सेल डिवाइडेड इंटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। कहने का मतलब यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, दो सेल में डिवाइड हो रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पास, आप एक बार मैंने कहा ना डीएनए ऑफ रिप्लिकेशन कहाँ होता है, तो समझ में आइए ये देखिए ये हमारा क्या है सेल है, समझ में आया, सेल क्या हो रहा है यहाँ डिवाइड हो रहा है, सही मैं बता रहा हूँ ना, डिवाइड देखिए ध्यान दीजिए डिवाइड हो रहा है। तो मैंने कहा रिप्लिकेशन और क्रोमोसोम या डीएनए, क्रोमोसोम की बात मैंने अभी समझाया, सेल के अंदर हमारे क्या था न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या था क्रोमोसोम होता, और क्रोमोसोम के अंदर हमारा क्या होता डीएनए। तो मैंने कहा रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए क्या कर रिप्लिकेट कर, भाई यहाँ वन था यहाँ टू हो गए, अंदर अंदर क्या रिप्लिकेट कॉपी बनाया, रिप्लिकेशन मतलब क्या कॉपी बनाना डीएनए का, एक से दो हो गया, जब दो हो गया तो हमने इसके बाद क्या होगा भैया, जब दो हो जाएगा अंदर तो उसमें सेल डिवाइड होगा, तो जब सेल डिवाइड होगा तो क्या बनेगा दो डॉटर सेल बनाएगा, मतलब दो कम बनाया ना सेल डिवाइड हो गया, समझ में आया, कहने मतलब यही प्रोसेस है। समझ आइए मियोसिस देखते हैं, अब मियोसिस ध्यान दीजिए, मियोसिस का प्रोसेस है कोई एक निक सेल है, ठीक है सेल क्या हुआ रिप्लिकेशन कर रहा है, फिर उसके बाद क्या सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन होने के बाद फिर एक बार फिर डिवीजन हो गया। तो कहने का मतलब है माइटोसिस में टू सेल बना डिवीजन करते हैं, मतलब दो बना डॉटर सेल बनाते हैं, लेकिन मियोसिस में कितने डॉटर सेल बनाते हैं फोर डॉटर सेल बनाते हैं, समझ में आया। अब देखिए मेन काम मुझे समझाना था रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए, कि डीएनए सेल डिवीजन से पहले होता है कि बाद में, तो मैं बता दूं सेल डिवीजन से पहले होता है। ठीक है आइए आगे पीछे चलते हैं, फिर देखिए ध्यान दीजिए, मैंने अभी यहीं तक समझाया था ना आपको, बिफोर द अ सेल डिवाइडेड इनटू गिवन राइट टू सेल, जब मैंने अभी बताया क्या भाई माइटोसिस में से क्या होता है टू सेल क्या होता है डिवाइड कर जाता है, दीज टू सेल आर सोर्स ऑफ सिमिलर बट दे लाइकली आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या होते हैं सेम टू सेम, ओनली द एक्सेप्टेड टू प्रोसेस ऑफ द कॉपी ऑफ डीएनए विल सम वेरिएशन इज टाइम, डीएनए द कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट दे आर नॉट बी आइडेंटिकल टू बी द ओरिजिनल। कहने का मतलब वो हमारा जेनेटिक क्या होते हैं जेनरेटेड क्या जेनेटिक जो होते हैं हमारे सेम होते हैं, कहने का मतलब है यदि हम दिखते हैं माता पिता तरह सेम होते हैं, यदि हम अंदर की वजह देखा जाए तो हम लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं, कैसे अभी मैं समझाऊंगा आपको कि भैया हमने मम्मी से पापा से कुछ हम लोग अंदर से क्यों डिफरेंट होते हैं, तो समझ में आएगा। एनीवे टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन इज द बेसिक फॉर इवोल्यूशन, अब देखिए इवोल्यूशन क्या है वेरिएशन क्या है मैं समझाता हूँ, वेरिएशन क्या होता है कोई चीज़ चेंजिंग होना, यदि मैं कहूँ मम्मी के ध्यान दीजिए मैं एक ग्रास, यदि मैंने कहा ये मॉम मैम क्या है ये मे क्या है फीमेल है और ये हमारा मेल है, यदि वो फट क्या कहते हैं यदि देखा जाए क्या रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन करने वाले क्या बनते हैं सन बनता है या संतान बनता है, तो ध्यान दीजिए। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कोई भी मैं जैसे मैं ही हूँ अपने मम्मी से कुछ मिलूंगा कुछ पापा से मिलूंगा, कोई भी ऐसा कभी देखा होगा कि क्या तो कुछ जैसे लड़का जन्म लेता है तो क्या बोलते हैं ना अरे यार अपने मम्मी से कुछ पढ़ा है उसका मुँह क्या है मम्मी का पढ़ा कान का भी पापा का पढ़ा है, तो कहने का मतलब है वेरिएशन मतलब चेंजिंग हुआ ना, जो चेंजिंग होता है वही हमारा इवोल्यूशन होता है। अब इवोल्यूशन की बात कर रहा है यदि कोई यदि चेंजिंग ना हो, ठीक है चेंजिंग यदि ना करें तो वो कहते हैं कि इवोल्यूशन में क्या तो मतलब एनवायरनमेंट में ढल नहीं पाएगा, तो आइए मैं समझाता हूँ फिर समझिए वह चेंजिंग कैसे हुआ या वेरिएशन कैसे हुआ। मैं कहते हैं कोई कहते हैं कि हमने पढ़ा है कि 50% यदि माता जी से और 50% पिता से लेता है तो जब जायगोट फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या करता है 100% संतान को क्या करता है जन्म करता है, तो यदि ये है तो ये 100% जो बना रहा है 46 भाई 23 यहाँ तो 46 यहाँ क्रोमोसोम हो गया ना इसका 23 यहाँ से क्रोमोसोम लिया 23 यहाँ से लिया आप लोग क्या
फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोड बना, जायगोड से क्या एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो के कहने का मतलब है यदि 50% माता से 50% पिता से लेता है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, वेरिएशन हुआ, कुछ चेंजिंग हुआ। वेरिएशन मतलब ही होता है चेंजिंग होना कुछ। यदि मैंने कहा कोई हो, कोई चेंज हुआ तो मैं भी बताया हूँ, कोई यदि कोई का जन्म लेता तो कहते ना कि बच्चा मम्मी का मिला हुआ है, कुछ पर कहते उसका हाथ मुंह क्या है पापा का मिला हुआ है, तो क्या हुआ चेंजिंग हुआ ना, वही क्या वेरिएशन है। जो वेरिएशन होता है वही हमारा क्या इवोल्यूशन होता है। कहते हैं कि यदि कोई भी चीज़ वेरिएशन ना किए जाए तो इवोल्यूशन में बहुत दिक्कत करती है। मैंने कहा कोई जैसे हमने डायनासोर की बात करते हैं, डायनासोर एक हमारा क्या है विलुप्त प्रजाति है, तो कहने का मतलब इवोल्यूशन नहीं कर पाए, ये जो माइग्रेशन कहते हैं मतलब वो माहौल में नहीं रह पाए। हम जो वेरिएशन होता है, जो चेंजिंग होता है, वो हमारा क्या अगले वातावरण में रहने या जीवित रहने के लिए क्या करता है, बचाव बनाता है, मतलब एक पावर बनाता है। यदि मैं कहूँ, ध्यान देखिए समझ में आएगा, मैं कहूँ कि कोई जैसे जिराफ की बात अगले टॉपिक में ही आएगा, इवोल्यूशन या वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेरिएशन मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन एक प्रकार रिप्रोडक्शन में जो होता है हमारा वेरिएशन होता है, वही हमारा क्या मेन इवोल्यूशन भी प्रोसेस करता है। समझ में आया, आई होप हमारा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे लेक्चर को फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।